और ये मैं आगे आ गया 37। ओ भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही बढ़िया हम लोग रेस लेके आए हैं यहाँ पे आप लोग के लिए कंपैरिजन, जो कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का MT 15 2.0 से। बहुत ही बढ़िया बाइक हैं दोनों, अपने में बहुत ही बेस्ट हैं। अगर मैं रॉयल एनफील्ड हंटर की बात करूँ, ये थोड़ी मुझे ट्रैम की तरह लगती है, वैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कंपैरिजन में, मेरे पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। एंड यहाँ पे जो है ये स्पोर्ट्स नेकेड है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बाइक है, छोटी सी बाइक है, लेकिन यार थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर पिलियन यहाँ पे बैठता है ना, तो बहुत ही कम जगह है। बाकी दिखने में तो सुंदर है, लेकिन भाई मैं बोलूँगा कम्फर्टेबल नहीं है एक पिलियन सीट में जो बैठेगा उसके लिए। आज इन दोनों का हम लोग एक ड्रैग करने जा रहे हैं। 150 सीसी बाइक है ये, 155 वैसे है, एंड ये है 350, ये 349 सीसी की है। इसमें आपको 20 पीएस मिलता है, इसमें अराउंड 19 या 18 पीएस की पावर है, वो आपके स्क्रीन पे लिख के आ रही है डिटेल प्राइसिंग सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, हम चाहते हैं कि आपको श्योर शॉट में एकदम आपको एकदम एक्यूरेट चीजें मिले। तो सत्यम भाई के साथ हम रेस करेंगे। सत्यम भाई का जो वेट है वो है 81 केजी, मेरा जो वेट है वो 86 केजी है, तो थोड़ा सा वेट का इशू है, तो देखते हैं वेट से भी कितना इफेक्ट पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड मैं चलाने जा रहा हूं MT 15, सत्यम चलाने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350। लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। VVA इसमें आपको मिलता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। लॉन्चिंग में इशू हो गया भाई, 150 सीसी की जो बात है ना वो किसी में नहीं है, गियर फंस गया था लेकिन भागना पड़ेगा जल्दी से भाई। ओहो, ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में गियर स्लो हो जाता है, शिफ्टिंग मिस हो जाती है, टक्कर चल रही भाई साहब खतरनाक। एमटी में यहाँ पर 6 गियर हैं और इसमें 5 गियर हैं, तो उसकी गियर भाई टॉलिंग है यार, सॉरी उसकी गियरिंग जो है वो टॉल है और इसकी गियरिंग शॉर्ट है। तो भाई अब तो उसको जीतना मुश्किल है। और भाई क्या वॉबल हो गया उसपे, भाई साहब क्या वॉबल आया, लेकिन ये इतनी हल्की है वॉबल कर रही है भाई, बहुत तगड़ी वॉबल हो रही है। भाई लोग साइड में वीडियो बना रहे थे ओपी। ऑल राइट, हम लोग यहाँ पर टॉप स्पीड अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे 140 प्लस। हंटर भी लगी हुई है भाई, ये कॉर्नर रिंग और ये एमपी के बगल में आ गए भाई साहब हम। ये 136 पे है और वॉबलिंग कर रही है, एमटी हो रही है पिछाड़। हंटर निकल गई, मैंने वॉबलिंग की वजह से स्लो की हुई थी थोड़ी सी। 130 आ चुकी है टॉप स्पीड, 140 वापस बढ़ रही है। अब मैं निकलूंगा आगे। ओ भाई फिर से बगल में आ गई, अब ये हंटर पीछे गई, हंटर ना निकल पाएगी। 150 सीसी उन्हें दीवार पोत के रख दी। अब भाई स्लिप स्विमिंग करोगे आगे जाओगे, चलता रहेगा वो, फायदा नहीं है। तो अभी R15 बोल रहा हूँ, MT 15 भाई, MT 15 ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 155 सीसी होने के बावजूद ये बहुत ही बढ़िया चली है, वॉबल कर रही थी यार बीच में, वही वॉबल हुई, फिर मैंने कहा यार थोड़ा धीरे कर देते हैं। हैंडल में इशू है, हैंडल इसकी एक बार गिर गई थी बोल रहा था, हाँ तो गिरने की वजह से थोड़ा हैंडल टेढ़ा हो गया है, कुछ दिक्कत आई है, एंड ये थोड़ी सी वॉबल हो रही है, इसलिए मैंने स्लो कर दी थी, इसलिए इनको एडवांटेज मिला था, बट नहीं निकल पाएगी हंटर इससे। MT 15 बहुत तेजी से निकल गई थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, राइडर चेंज करके हम चलाने जा रहे हैं हंटर 350।
एंड चेक करते हैं क्या विजेता रहेगा। अरे बहुत तेजी से निकल गया यार। इनिशियल ओपी भाई। मैंने पिकअप सही से नहीं लिया यार। बहुत तगड़ा इनिशियल है भाई साहब इसका, खतरनाक इनिशियल। हंटर भी लेकिन पीछे से आ रही है। हंटर यार नहीं जीत सकती उससे। यहाँ पर मैंने 6 के 6 गेयर डाल दिए हैं एंड लेट्स सी क्या होने वाले रिजल्ट्स। हंटर काफी पीछे है, देखते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, MT-15 में यार स्पीडो एरर ज्यादा है। बाकी आपने हंटर की टॉप स्पीड वाली देख कैसे वॉबल हुई। 35। अरे अरे वॉबल नहीं, वॉबल नहीं, वॉबल नहीं, वॉबल नहीं, वॉबल नहीं होने दूंगा। 36। नाइस। बहुत ज्यादा आगे नहीं है और ये पकड़ रही है भाई, 140 पहुंचने वाली है। स्पीड वाले ज्यादा है हंटर में और ये मैं आगे आ गया। हंटर में बोल रहा हूँ, MT-15 में स्पीड वाले ज्यादा है और ये मैं निकल गया हूँ। 37। ओ भाई कैसे निकला मुझे नहीं पता। ये 140 की तरफ जा रही है भाई, लेकिन अब कम होती जा रही है स्पीड। टॉप एंड हंटर में कुछ ज्यादा ही तगड़ा नहीं जा रहा है यार। सत्यम पीछे लगे हुए हैं पूरी कोशिश में और मैं भी लगा हुआ पूरी कोशिश में कि सत्यम आगे आ ना पाए। अरे बहुत पीछे है सत्य भाई। ज्यादा गैप मेंटेन नहीं है यहाँ पर, 140 की स्पीड इसकी भी है। तो कंटिन्यूस उतना ही गैप मेंटेन है। अब मैं रोक दूंगा आगे चल के, अब मैं जीत जाऊंगा। मैं चिल्ला रहा हूँ बुरा मत मानिएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट में निकल जाता भाई। सत्यम 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 हो गए भाई आज, सत्य कहेंगे हम। हंटर से जीत गए आज, एक बात सत्य कहेंगे हम। सत्यम शिवम सुंदरम। तो भाई यहाँ पे हंटर जीत गए। गैप था बहुत ज्यादा पहले इसका, इन दोनों का गैप बहुत ज्यादा था। फिर पता नहीं अचानक से इसने स्पीड कहाँ से ले आई, 140 टच करने वाली थी। 140 मतलब टच करने वाली थी, एकदम से निकल गया तुम्हारे बगल से। तो भी वापस 136-134 ये 140 पे आ गई थी, देख लो भाई। लेकिन जीत गए भाई हम जीत गए। बाकी आज जीत और हार का कोई मतलब नहीं, आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखानी थी। तो देख सकते हैं 150 सीसी होते हुए इसने बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ कंपटीशन दिया है। लेकिन हंटर बढ़िया भागी है यार, मैं कह सकता हूँ इसे टूरिंग करने में मज़ा आएगी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल राइड होने वाली है इस बाइक पे, क्योंकि इसकी जो सीट है ना बहुत चौड़ी है जो कि आपकी राइड को कंफर्टेबल करती है। बाकी बाइक बढ़िया है, ये वॉबल कर रही थी। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करिए, बताइए भी क्यों नहीं अच्छी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं रील्स डालता रहता हूँ। चलिए बाय बाय।